पानी पानी रे, खारे पानी रे, नैनों में भर जा, नींदे खाली कर जा. Hi, this is Monali Thakur and you're watching me on Cine Speaks. Hi Monali, welcome again on Cine Speaks. Thank you. Many many congratulations. Thank you so much. सबसे पहली बात तो ये song जब 90s में आया था तब भी मेरा favorite था और अभी भी मेरी जान है और आपने इसमें और जान डाल दी है. How sweet, thank you so much. So this is superb. तो मोनाली सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं आपकी जर्नी से क्योंकि ना हमारे व्यूअर्स के पास एक लिस्ट आई थी जो आपकी जर्नी जानना चाहते थे जब आपको आई थिंक रेस में पहला ब्रेक मिला था. हाँ तो ज़रा वो ब्रेक के बारे में बताना चाहेंगी आप कैसे वो ब्रेक मिला आपको रेस का. बाप रे बाप कितने सालों पुरानी बात है. मैं तो एक रियलिटी शो में जाना नहीं चाहती थी फिर भी मुझे धकेला गया. मैं गई फिर मैं वाहियात उधर डर के गा भी नहीं पाई तो निकाल दिया गई. मैं निकाल दे फिर मेरा कॉन्फिडेंस तोड़ दिया बट नो आई वॉज वेरी हैप्पी कि मैं निकल गई थी. मैं कॉम्पिटिशन नहीं कर सकती हूँ. फिर उसके बाद आई स्ट्रगल फॉर माई उस टाइम पे भी आई वांटेड टू डू इंडिपेंडेंट म्यूजिक. माई लाइक तब हम बोलते थे कि पॉप एल्बम और उसके लिए आई गॉट साइंड अप बाय वन ऑफ द लेबल्स जिन्होंने रेस का गाना किया था. सो तब पायरेसी आया और एल्बम्स खत्म हो गए. आई थिंक आई रिमेंबर आतिफ वाज साइंड अप विद देम एंड आतिफ असलम एंड आतिफ फर्स्ट जो आइकॉनिक गाने थे उसके तब रिलीज़ हो रहे थे. मेरा भी रिलीज़ होने वाला था बट नहीं हुआ इवेंचुअली. बट इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स नहीं बट माई गॉट माई फिल्म ब्रेक विच वॉज फॉर रेस बिकॉज अब्बास जी एंड मस्तान जी दे लाइक माई रेंडिशन ऑफ दो सॉन्ग्स एंड उन्होंने वो लॉक कर दिया था. पहले ज़रा ज़रा टच मी हुआ था वो बहुत पसंद आया था उनको. वो वाला जगह उनको बहुत पसंद आया था. और उसके बाद मैं सुनाती हूँ आज मैं पानी पानी गाऊंगी. फिर बिकॉज वो अच्छा हुआ था तो और एक गाना बनाया ख्वाब देखे फिर वो भी रिलीज हुआ. दैट्स हाउ माय फर्स्ट ब्रेक हैपेंड एंड देन और एक्टिंग करी है आपने इतनी अच्छी एक्टिंग करी है फिर सडनली क्या हुआ आपने फिर वो चीज़ को ब्रेक करके आप सिंगिंग में आ गए. और क्या करूँ हमारे कंट्री में बहुत स्टीरियोटाइप हो जाता है. सो बेसिकली नो एक्चुअली व्हाट वाज हैपनिंग इज मैं टाइम नहीं मैनेज कर पा रही थी. आई गॉट रियली बिजी विथ माय म्यूजिकल करियर ऑल्सो. जो मेरा डेब्यू फिल्म था कमर्शियल जो लॉन्च which was going to launch me into the commercial field. Lakshmi was a beautiful, very extremely hard-hitting, wonderful film, but there was not like a commercial film taki matlab log nahi jaan paye utne, industry jaan paye, but not proper audience yet. So, but that kind of like a commercial proper film launch जो होना था उसके लिए वो film ही launch नहीं हुआ. हम लोगों ने 2 साल उसको दिए. So that was those 2 years was a lot. You know, मेरे career के लिए was very it was very very expensive for my career honestly. उसके बाद क्या होता है कि जो musical career को मैंने इतने साल मैंने मेहनत करके बना रही थी मैं वो भी स्लिप हो रहा था बिकॉज एक्टिंग टेक्स अप अ लॉट ऑफ योर टाइम एंड योर एंटायर लाइफस्टाइल बिकम्स डिफरेंट. सो इसलिए मैंने ऑडिशंस के लिए जो टाइम देना होता है ना वो नहीं दे पा रही थी बिकॉज आई हैड माई कॉन्सर्ट्स आई हैड टेलीविजन शोज आई हैड ऑल दीज थिंग्स तो वो हैंडल नहीं हो पा रहा था. बट और जो आए थे दे डिडंट मेक सेंस विच सो सब कुछ मिला के वो आई थिंक द राइट टाइम डिडंट कम बट आई होप इट्स कमिंग नाउ. आई होप इट्स हैपनिंग एंड आई होप यू विल सी मी सून ऑन स्क्रीन एज एन एक्टर. और आप गाती तो बहुत अच्छा है लेकिन आपका जो सॉन्ग में प्रेजेंस होती है ना उससे वो सॉन्ग और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है. थैंक यू. पानी पानी का पूरा कॉन्सेप्ट कैसे बनाया गया? कुछ नहीं जब मैं ये गाना जब दिमाग में आया था कि हाँ ये करना चाहिए वो एक्चुअली इट हैपेंड वेरी रैंडमली. इट हैपेंड व्हेन आई वाज बाइकिंग इन द माउंटेन्स इन स्विस एल्प्स स्विट्ज़रलैंड में और थक गई थी तो रुक के साइकिल को नीचे रख के मैं ऐसे ही एक पत्थर के ऊपर बैठ के इधर बाजू में ही देयर वाज अ ब्यूटीफुल स्ट्रीम फ्लोइंग माउंटेन रिवर एंड ऑल दैट एंड देन वो आवाज़ में मैं ऐसे ही खुद के लिए वो जंगल में ही पहाड़ के जंगल में बैठ के गाना गा रही थी एंड यही गाना गा रही थी पानी पानी रे. और मुझे यूजुअली आई डू नॉट लाइक माई सेल्फ एंड आई सिंग और आई डू एनी थिंग फॉर दैट मैटर. बहुत क्रिटिकल हूँ मैं अपने आप को लेकर बट उस दिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था व्हेन आई वाज हमिंग दिस सॉन्ग. सो आई थॉट कि आई एब्सोल्युटली लव दिस सॉन्ग. बचपन से ये एल्बम मतलब इट्स लाइक एन आइकॉनिक एल्बम इन बोथ माई सिस्टर एंड माई लाइफ एंड हमने सीखा है बहुत एज अ म्यूजिशियन फ्रॉम दिस एल्बम. दैट्स हाउ लता जी तो इज गॉडेस एंड गुलजार साहब इज जस्ट ही आई डोंट he's unreal. I don't think he's human. I also feel he's God because the way he's I don't know how they are. And then Vishal Bharadwaj. Vishal sir, I am a huge fan. उनको जब भी मिलती हूँ मैं बोलती भी रहती हूँ, उनको पता है. To the point I think I become very awkward and embarrassing. But that was the album with which I got to know, and I became this huge fan of Vishal Bharadwaj's. And बाद में his films and all, but as a musician, that was the album. So I just immediately thought, okay, this idea came. I'm sitting here. Let me just figure out who has the rights. Thanks to all the network that we get, even in anywhere in the mountain and jungle. I googled. I found out that rights hai Sony Music India ke paas, and I called them. Wow. I threw this idea ke, what do you think if I do this? Do you think a rendition of mine will work? Should I do this? They were very happy. They were kicked about it, and they said yes. And one day they figured out the rights and everything. Permission le liya, maine kaha wah, it's like amazing. And then we started. पहले हम लोग एक छोटा सा ऐसे ही मेकिंग वीडियो करने वाले थे and release it, but then we thought, let's just do it in Switzerland, what the hell, and then we went to Switzerland, nice. Shot it, and then this is how the video turned out. So it was nice. It's a nice, fun journey. So we heard that you are trained salsa dancer also. Yes. Oh my God. Natyam, salsa, hip hop. तो फिर अभी इतने multi talents हैं आपके पास, कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो other than singing? Dancing, actually, dancing, acting, singing. Another new thing. I love decorating houses. I think it's a girl thing. But yeah, that's all. Many things. So, चलते-चलते fans के लिए message हो जाए कोई अच्छा सा? Yes. The festive season is coming, so you guys have a lot of fun, please, and just live life because you do not know what's going to happen the very next moment. So just try and be happy. Whatever gives you happiness, do that, but not at the cost of anyone else. Bahut Mata Monali. But yeah, just be safe and be kind to each other. Yep. So wish you all the very, very best from our side also. Thank you so much. Thank you. Bye.